रतन टाटा के जाने की खबर हिंदुस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। 86 साल के रतन टाटा ने मुंबई में आखिरी सांस ली। उन्हें विदाई देने के लिए मुंबई की सड़क पर जनसैलाब सा दिखाई दिया। राजनीति जगत हो या फिर उद्योग और फिल्म, तमाम मशहूर हस्तियों ने रतन टाटा को आखिरी प्रणाम किया। रतन टाटा के पंचतत्व में विलीन होने के साथ टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज होने लगी है। सवाल ये है कि करीब 34 लाख करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह का व्यापारिक साम्राज्य कौन संभालेगा? रतन टाटा के बाद किनके कंधों पर टाटा ग्रुप की कमान होगी? आखिर वो कौन होगा जो रतन टाटा की गद्दी पर विराजमान होगा? चलिए आपको बताते हैं कि टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी की रेस में कितने नाम हैं और कौन इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इनको टाटा ग्रुप का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। नोएल टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं। लिया टाटा, नोएल नवेल टाटा की सबसे बड़ी संतान है। 2006 में उन्होंने टाटा समूह के साथ ताज होटल रेस्टोरेंट एंड पैलेसेस में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और अब वो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। माया टाटा, नोएल नवेल टाटा की छोटी बेटी हैं। इन्होंने टाटा कैपिटल में एक एनालिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। टाटा समूह की रिटेल शाखा में सक्रिय नेविल टाटा वर्तमान में स्टार बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं। नेविल की शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है, जो टोयोटा किर्लोस्कर समूह की उत्तराधिकारी हैं। ये तो थे वो नाम जो टाटा ग्रुप के नए बॉस बन सकते हैं। एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि सिर्फ पारसियों ने ही टाटा ट्रस्ट की कमान संभाली है। हालांकि कुछ के नाम में टाटा नहीं लगा था और उनका ट्रस्ट के संस्थापक परिवार से कोई सीधा रिश्ता नहीं था। वहीं अगर नोएल टाटा इन ट्रस्टों के प्रमुख चुने जाते हैं तो वो सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट के 11वें अध्यक्ष और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे अध्यक्ष बनेंगे। बता दें कि 1991 में जब टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा के हाथ में आई और रतन टाटा ने इस ग्रुप की कमान संभाली तो कंपनी का टर्नओवर महज $4 बिलियन था, जिसे रतन टाटा ने $160 बिलियन के पार पहुंचा दिया। बहरहाल अब देखना ये है कि टाटा ग्रुप का नया उत्तराधिकारी किसे बनाया जाता है और कितने दिन में इस नाम की घोषणा होती है।